यार क्या चाहिए? चाय। तभी ये क्या पिया तूने? इतनी सी पी मैंने, इतनी सी मैंने पी मेरे हाथ मैंने, से इतनी कप छाना था, पूरी पूरी भर के दी थी तुझे, झूठ। ठंडी फुल कप चाय थी। थी ना जी, इतनी सी चाय, इतनी सी, इतनी होती तो। सुबह के 9 बजे चाय, देखा तो है नहीं बिग बॉस आज तक अपने मन से। दोपहर के 11 बजे चाय, रील देख देख के सीखे हुए हैं। दोपहर के 2 बजे चाय, शाम के 4 बजे चाय, शाम 7 बजे चाय, रात को 9 बजे चाय, सोने के पहले चाय, सपनों में चाय, शार्क टैंक में दार्जिलिंग चाय वाला हाँ एपिसोड यार क्या शानदार था देखा। दार्जिलिंग टीम। फेवरेट इंसान नरेंद्र मोदी जी, क्यों? क्योंकि वो चाय बेचते थे। वाह क्या सीन है। कल रात में मौसी से लगभग 9 बजे निकलने का प्लान हुआ था, मैं 9 बजे रेडी हो गया था। टाइम देखो, देखो टाइम, 11 बज गए, अभी तक आया ही नहीं है। अब मेरे को आधे रास्ते जा रहा हूँ मैं अंकल के साथ, वहां से उनकी गाड़ी में बैठ जाऊंगा, आते वक्त सब एक साथ घर आ जाएंगे। ओके अमरू, क्या आता हूँ घूम के। हाँ तो जाओ, मैं मेरे को जाना पड़ेगा। मैं अकेले जा रहा हूँ घूमने, तो धूप ले रही हूँ, मैं तो अकेले घूमने मैं तो जा रहा धूप हूँ। ले रही हूँ। चलो अमरू, बाय बाय बाय। चल दरवाजा लगा रहे, मिलते हैं शाम को, टाटा। चलो बाय बाय। जल्दी आना। ओके बाय बाय। क्या बोल रही? चलो मम्मी बाय। वो खड़ी उनकी गाड़ी। बाय, थैंक यू। हाय मौसी। खुश रहे बेटा। मौसी एक बार बता, इतनी देर क्यों हो गई? अभी 9 बजे का टाइम दिया था, इतनी देर क्यों हो गई? ये घोटू मौसी है, घोटू। ये भी मेरी गलती है। मैं सुनो दीदी, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है, नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। आप बताओ कि इनमें से लेट किसने करा? घोटू मौसी ने। नो कमेंट। मतलब सुलू मौसी ने करा। मैंने तो करा नहीं, मैं तो तैयार हो गई थी। मैंने घोटू को फोन लगा दिया, घोटू जल्दी आप, 9 बज गई। लगता कि मैं लेट करती हूँ, है ना? ये भी मेरी गलती है। चलो गाइस कमेंट में बताओ देर किसने करी, घोटू मौसी ने या सुलू मौसी ने, विजेता पंडित ने, सुलक्षणा पंडित ने। अभी टोटू होता था बोलता फीते पोए, तीन फीते पोए हैं। ये वाली, ये दो ले लो एक जैसी, और थोड़े से गुलाब के फूल अलग से दे देना। तो आश्रम आ चुके हम लोग मोनी बाबा के। एक्चुअली मोनी बाबा हमारे गुरु हैं, कुछ टाइम पहले वो एक्सपायर हो गए थे, तो आज यहाँ पर भंडारा है, तो वहाँ पर उनके दर्शन के लिए आया हुआ हूँ मैं। चलो प्रसादी बन रही है। महेश्वर ना महेश्वरी सिल्क के लिए बहुत फेमस है। अहिल्या माता ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए महेश्वरी सिल्क बनवाना चालू किया था, तो महेश्वर आए तो थोड़ा सा साड़ी वगैरह देख लेते हैं। एंड मौसी का सम्मान भी है राज्यपाल से, तो उसके लिए भी साड़ी चाहिए थी, और घोटू मौसी को कुर्ते चाहिए, और मैं सोच रहा हूँ अमृता के लिए भी एक हाथ ले लेता हूँ। चलो चेक करते कि क्या है यहाँ पर। ले ली यार साड़ी, हम लोगों ने ले ली। अमृता के लिए कुर्ता लेना था, बट साड़ी उसको जमी, तो मैंने साड़ी ले ली। मौसी के लिए भी ले ली। अब जा रहे स्वप्निल के घर, क्योंकि उसको वहाँ पर दवाई देने जाना है अब हमको। मौसी वो देख, वो विट्ठल मंदिर है जहाँ पे हम आते हैं ना हमेशा। अच्छा। ये वो विट्ठल भगवान वाला मंदिर है। अच्छा। ये सब साधना सुलू एक जैसी लगती है दूर से। चलो आओ। चिंटू चल कार में से ले ले तेरी, है ना। सर्वसाधारण को ये सूचित किया जाता है कि मैं मंडलेश्वर जिस चीज के लिए आया था, ते भाई तो अपनी व्यास की दवाई, तो उसे हैंड ओवर करने जा रहा हूँ।
चल सॉरी बोल पहले, तूने नाटक कर रहे थे मेरे से। मैंने नहीं कर रहा, सॉरी बोल तो दवाई दूंगा। नहीं तू सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे नहीं चाहिए तुम्हारे सॉरी, भाड़ में गए तुम्हारे सॉरी, चूल्हे में गए तुम्हारे सॉरी। चलो बाय बुआ, बुआ बाय बाय एवरीबॉडी। चल गोटू मौसी बाय। कौन सा गुड़ है मौसा जी? ये देसी गुड़ है। देसी गुड़ है ना, देसी घर का बना हुआ है, घर का गन्ना और घर का चरखा। हाँ अंकल का फोटो बहुत सही है, देखो। और ये 90 रुपए किलो। अच्छा ये 90 वाला और 100 वाला? नहीं 100 यू एक का जा। अच्छा एक ही है तो खुली बात छे भी। हाँ वो पीस वाला अच्छा रहेगा, खाने में आराम आसान रहता। चख लो पहले, चख लो। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें आर्टिफिशियल टेस्ट आ रहा है उस वाले में। एक बात है, ऐसे एरियाज में जब आप आते हो ना तो आपको नेचुरल चीजें मिलती है। क्यों मौसा? इनके खुद की घानी का गुड़ बना हुआ है, बहुत अच्छा है। कुछ एक केसर वाला है, केसर वाला है और एक नॉर्मल वाला है। और इनके खुद के खेत के गन्ने हैं और उनके खुद के ही खाने का चरखी का बना हुआ है। तो घर का बना हुआ तो अच्छा, ज्यादा टेस्टी है, बढ़िया है। वाह यार, सामने। अच्छा सामने सारे खेत आपके? देख लो सब गन्ना अपना छे, गन्ना का वही केला छे देखे रहे बड़ा बड़ा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो सारे भी आपके हैं, वही मकान भी आपका? नहीं अपना है, गन्ना दूसरे का। अच्छा गन्ना दूसरे का, बाकी बाद में अपनी जमीन आ। अरे वाह यार, यहीं से देख लो बैठे बैठे। हाँ ऊपर से दूरबीन से देखता हूँ। अच्छा ऊपर दूरबीन से देखते हैं। मौसा जी बाज नहीं आते अपनी हरकतों से। अंकल को बोल रहे आपको कोई LIC का बीमा कराना हो तो मेरे से करा लेना। परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। मौसा जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, वो अंकल को पता है क्या बोल रहे हैं? आपको LIC का कुछ काम कराना हो तो मेरे से करा लेना, आप कितने खेत वेते में सब देख लूंगा। हर जगह अपने हर जगह क्लाइंट ढूंढते, तभी तो आप करोड़पति एजेंट बने हो। गाइस मौसी है ना करोड़पति एजेंट बनी है, मौसी का सम्मान होने वाला है MP के गवर्नर से 28 को, तभी तो मौसी ने साड़ी ली है। एक खास बात और है कि यहाँ के फ्रूट्स बड़े फ्रेश है, केले पपीते, पपीते तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं यहाँ के, तो ले रहे हैं मौसी और हम लोग सब उतर के। लाओ ये केले हैं और ये पपीता 30 रुपए किलो दे रहे हैं। ये पतले पतले भी है ना, अच्छे लगेंगे। देसी धनिया के वो फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है। क्यों? बहुत बढ़िया खुशबू आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। चटनी भी अच्छी लगेगी। हाँ उसमें हरी मिर्ची की चटनी बनेगी, लहसुन डाल के वो बहुत शानदार बनेगी। हाँ हाँ हाँ, और अगर आप चाहें तो आप खाने आ सकते हैं। मौसा जी क्या आप भले 100-50 ऊपर ले लो पर गाने अच्छे बजाओ। क्यों मौसी? हाँ यार ऐसे सुना रहा है, सुबह सुबह जाते वक्त मौसा जी ने बहुत गंदे गाने बजाए। घंटे खाए और अभी भी खा रहे, अभी भी खा रहे हैं। अब बिल्कुल हम इस लेवल पे नहीं। शाम को रोटी नहीं देना है। हाँ अब आप बहुत सुना चुके हमको, कोई अच्छा गाना बजा दो अब आप मौसा जी, बहुत हो गया। टेप बंद करनी पड़ेगी मौसी, इनके जहर इतने जहरीले गाने सुनने से अच्छा है कि या तो अपन टेप बंद कर दो या गाइस मैं गाने सुनवा रहा हूँ किशोर कुमार के, बहुत फेवरेट गाने। ये गाना अच्छा है, ये शाम मस्तानी है, ये शाम मस्तानी है, ये सुन सकते हैं, बहुत फेवरेट गाना है। मौसी मौसा जी को अंकल की फैक्ट्री दिखानी थी तो अंकल की फैक्ट्री दिखाने के लिए आ गया हूँ। आवाज आई गई होगी आपको, ये चलो गाइस अब अंकल की फैक्ट्री घूम ली, अब अंकल को कुछ काम है तो वो जा रहे हैं किसी और के साथ, तो मैं अब उनकी गाड़ी लेके जा रहा हूँ घर। मौसी मेरे साथ बैठ गई है, मौसा जी दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं। अब घर जाएंगे, खाना खाएंगे। बहुत ठंड लगने लग गई यार यहाँ पर, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, एकदम ठंड बढ़ गई यहाँ पे। ब्लॉग को यहीं पर करते हैं, अब हम लोग भी खाना वाना खाएंगे एंड सोएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।